वैशाली डीएम वैशाली एसपी सहित तमाम पदाधिकारी पहुंचे हाजीपुर मंडल कारा। 3.5 घंटे से ज्यादा देर तक की गई छापेमारी जेल के चप्पे चप्पे को खंगाला गया। हाजीपुर से चंद्रकांत पाठक की रिपोर्ट। खबर हाजीपुर से है, जहां मंडल कारा में डीएम और एसपी के नेतृत्व में 3.5 घंटे से अधिक समय तक छापेमारी की गई है। डीएम उदिता सिंह और एसपी मनीष के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ जेल में छापेमारी की गई और मंडल कारा के हर वार्ड की सघन तलाशी ली गई, लेकिन जेल से कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है। बताया जा रहा कि सुबह 8 बजे से लेकर 11:30 बजे तक डीएम व एसपी के नेतृत्व में रेड किया गया। डीएम उदिता सिंह ने बताया कि यह रूटीन छापेमारी थी और रेड के दौरान जेल से कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है। बताया गया कि स्टेट लेवल पर राज्य सरकार से जिलों में छापेमारी करने का एक निर्देश जारी किया गया था, जिसके आलोक में हाजीपुर मंडल कारा में भी वैशाली डीएम उदिता सिंह और वैशाली एसपी मनीष कुमार जेल में छापेमारी करने पहुंचे थे। छापेमारी को इतना गोपनीय तरीके से रखा गया था कि इसकी भनक भी जेल प्रशासन को नहीं लगी थी। जब जिला प्रशासन की गाड़ी जेल के पास पहुंची तो उसके बाद जेल प्रशासन को जेल में छापेमारी की जानकारी मिली। वैशाली डीएम और एसपी मनीष कुमार के जेल पहुंचने के बाद चंद मिनटों में जेल के अंदर बने कैदी बैरक, हॉस्पिटल, शौचालय व फुलवारी आदि सभी जगहों पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी, जिससे बंदियों को कोई भी सामान इधर उधर छुपाने का मौका नहीं मिल पाए। हालांकि छापेमारी के बाद वैशाली डीएम उदिता सिंह ने कहा कि यह एक रूटीन छापेमारी थी, इसमें कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं किया गया है। और कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं। मैंने दो पंखा था,